Thank you, sit down, please. पिछली बार हम लोग ने नंबर सिस्टम पढ़ा था, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, ठीक है। आज हम लोग इसी नंबर सिस्टम को यूज करते हुए जोड़ना और घटाना भी सीखेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर अपनी मर्जी से बताओ, एक से लेकर छह तक के, एक से लेकर छह तक के कोई भी नंबर बताओ। टू, चलो टू, चलो हमने ले लिया, टू ले लिया, ठीक है, टू ले लिया, फाइव ले लिया, सेवन, थ्री, ठीक है, सेवन, थ्री और सिक्स तक के, चलो ठीक है, नाइन ले लें, फोर, नाइन, चलो दोनों की बात मान लेते हैं, नाइन भी ले लिया, फोर भी ले लिया, ठीक है, कितने हो गए, सिक्स हो गए। आप इन्हीं नंबर में से कुछ आगे पीछे करके ले, नंबर यही लेने हैं, चलो नंबर यही लेने हैं, किसी को आगे किसी को पीछे। पहले यहाँ पे यूनिट पे क्या लिख दें, यूनिट पे कौन सा ले, सेवन, चलो यूनिट पे हम लोग ने सेवन ले लिया, और फिर नाइन, फाइव, और फाइव ले लिया, फिर फोर ले लिया, चलो एक जगह टू ले लिया, एक जगह थ्री ले लिया, ठीक है। हम लोग इन्हीं नंबर को जो है घुमा रहे थे, ठीक है। अब ये कितना हो गया, फोर लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू, ये कितना हो गया, थ्री लाख ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, दो और सात को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, नौ, ठीक है, नौ आ गया। अब पांच और चौदह, चौदह यानी, हाँ, चौदह का चार हासिल एक, ठीक है। अब कितना हुआ, सात पांच, सात पांच बारह और एक तेरह, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, तीन हासिल एक, हासिल एक, अब कितना हो गया, आठ, ठीक है, नौ दो यानी एक लगाएंगे और हासिल एक, आठ, कितना हो गया, आठ। तो हम लोग ने जब चार, फोर लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी टू और थ्री लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी सेवन को ऐड किया तो कितना मिला, एट लाख एटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन, ठीक। अब मुझे कोई एक बार बताओ, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, अस्सी लाख, नहीं, जीरो से लेकर कौन कौन से नंबर होते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, नाइन, सबसे बड़ा नंबर कौन, सबसे छोटा नंबर, वन या जीरो, वन या जीरो,
वन या जीरो? वन या जीरो? सोच लो आराम से. जीरो. जीरो सबसे छोटा क्या हो सकता है? जीरो जीरो से छोटा. ठीक है, तो अगर हम सबसे बड़े नंबर सोचें, मान लो मैंने सोचा कि 9 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर सोचना है. अगर सबसे बड़ा नंबर सोचेंगे तो सारे बड़े बड़े नंबर लगा देते हैं एक लाइन से. ठीक है, सब जगह 9 9 लगा देते हैं. यहाँ भी 9 लगा दिया, हर जगह 9 लगा देंगे. ठीक है, हर जगह 9 9 लगा देंगे. 9 फिर 9 फिर से 9 9 फिर 9. तो ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई. क्योंकि इसमें सारे बड़े बड़े संख्या हम लोगों ने ले रखे हैं, तो ये 7 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बन गई. ठीक है, तो हम लोग का ये कितना हुआ? 99 लाख 99,999,999. अब इसमें हम एक काम करेंगे, 7 डिजिट की सबसे छोटी संख्या को, सबसे छोटी, जीरो 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 फिर जीरो जीरो जीरो. अगर लास्ट में भी जीरो रखेंगे तो कुछ संख्या ही नहीं बनेगी. तो लास्ट में सबसे छोटा 1. अब ये कितना हो गया? 10 लाख. जोड़े इनको. ठीक है, 9 में जीरो ऐड हुआ, कितना आ गया? 9. ठीक है, फिर 9 में जीरो ऐड हुआ, कितना हुआ? 9. फिर 9 में जीरो ऐड हुआ? 9. फिर 9 में जीरो ऐड हुआ? 9 में जीरो ऐड हुआ? 9 में जीरो ऐड हुआ? 9 में 1 ऐड हुआ? 9 में 1 ऐड? 10. 1 0 1. कितना हो गया? 10. ये 1 क्या है? 1 करोड़. 9 and 99. ठीक है, अब एक परीक्षा के बारे में हम लोग को मालूम पड़ा, यूपी बोर्ड की परीक्षा, क्लास 10th की. ठीक है, क्लास 10th की यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपकी बुक में दिया हुआ है कि भाई हमारे यहाँ 2,78,472 बच्चे बैठे. ठीक है, कितने बैठे? 2,78,472. कितना बोला मैंने? बोलो, याद है पक्का? 2 लाख 78,000. Seventy-two. भूल गए? ठीक है, 2,78,472. इसमें से 2,18,659 बच्चे पास हो गए. कितने पास हो गए? 2,18,000.
thousand. 2,18,000. 600. 600. And 79. ठीक है. अपीयर कितने हुए थे, कितने बैठे थे? 2,78,472. पास कितने हुए? 2,18,679. फेल कितने हुए होंगे? फेल कितने हुए होंगे? क्या करेंगे? घटाएंगे. ठीक है, इसको इससे घटाएंगे. ठीक है, अब देखते हैं घटाने की बात करते हैं. दो में से नौ जाएगा? नहीं जाएगा. तो यहां से हम लोग एक हासिल करेंगे. ठीक है, इसे हम बारह बना देंगे एक हासिल करके. ठीक है, बारह में से नौ गए, कितने बचे? तीन बचे. ठीक है, अब एक चूंकि इसमें से चला गया था तो अब ये कितना बचा? छह बचा था. सात में से एक चला गया तो कितना बचा? छह. छह में से सात जा सकता है? नहीं. फिर दूसरे से मांगेंगे. ठीक है, चार में से एक लेंगे और यहां चला जाएगा. सोलह में से सात गया, कितना बचा? नाइन. अब चूंकि चार में से एक चला गया था तो कितना बचा? तीन, क्योंकि चार में से एक हमने हासिल कर लिया था. अब तीन में से छह जाएगा? नहीं. तो हम लोग अब आठ से हासिल लेंगे. ठीक है, कितना हासिल लेंगे? एक. कितना हो जाएगा बोलो? तेरह में से छह गया, कितना हुआ? सात. ठीक है, और आठ में से चूंकि हमने लिया था तो यहाँ कितना बचा? सात. अब फिर सात में से आठ जाएगा? नहीं. क्या करेंगे? एक हासिल करेंगे. कितना हो गया? सत्रह. सत्रह में से आठ गया? सत्रह में से आठ गया. अपनी कॉपी में निकालो. कितना हो गया? नौ. अब चूंकि हम लोगों ने एक हासिल कर लिया था तो ये सात वही रहेगा, छह हो जाएगा. ठीक है, पांच. और इसमें से क्या? जीरो. कुछ नहीं लिखेंगे. ठीक है, जीरो लगा दें. चलो लगा देते हैं. नीचे लगाएं. अब ये देखो कितना हो गया? 59,793 बच्चे फेल हो गए. पास तो 2,18,000 हुए थे, फेल कितने हो गए? 59,793. ठीक. सबके कॉपी में भी वही निकला? चलो ठीक है. एक और. अब एक हम लोग का छोटा सा गांव था. ठीक है, वहां पे 15 लाख लोग रहते थे. 15,37,576. ठीक है, मतलब 15,37,576. देखते हैं 15 लाख, यानी लाख में कितना होगा? एक. 15 लाख. ठीक है,
ठीक है, 15 लाख, 37,000, 37,000, और कितने 37,000 भूल गए, 576, बाकी हटा देते हैं, ठीक है चलो बाकी को हटा दिया, 5 बीच में हमें कितना चाहिए 5, ठीक है 576, ये पूरी जनसंख्या थी, ठीक है। इसमें से कुछ जो है पुरुष थे, कुछ महिलाएं थी, ठीक है। बच्चे भी बॉयज या गर्ल्स में ही आएंगे, ठीक है, मेल्स या फीमेल्स, ठीक है। तो इसमें 844,396 मेल्स थे, 8 लाख, कितना कहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, 8 लाख, कितने थाउजेंड था, ऐसे बोलूं, लिख लो कॉपी में, 8,44,396, 8,44,396, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 8,44,396, इतने तो हमारे यहाँ मेल्स थे उस गांव में। अब बचे कितने, बचे क्या होंगे, बची महिलाएं होंगी, ठीक है। अगर इतने पुरुष थे तो बचे कितने होंगे, महिलाएं होंगी, ठीक है, कितने होंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। 6 में से 6 गया, कितना बचा, 0, ठीक है। 7 में से 9 जा सकता है, तो क्या करेंगे, 5 से उधार मांगेंगे, कितना, 5 में से उधार मांगेंगे कितना, 1, तो कितना हो गया, 17, 17 में से 9 गया, 8, 8, 8, 8 सबका आ गया, तो 17 में से 9 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा, ठीक है। और चूंकि 5 में से हमने 1 उधार लिया था तो अब कितना बचा, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। 4 में से 3 जा सकता है, पक्का जा सकता है, कितना हुआ, 1। 7 में से 4 जाएगा, 3 में से 4 जाएगा, अब क्या करेंगे, उधार मांगेंगे, पड़ोसी से उधार मांगेंगे। 5 में से मैंने कहा मुझे 1 दे दो, तो कितने हो गए, 13। 13 में से कितना जाना है, 4, कितना, 9। क्योंकि 5 में से हम लोग ने उधार ले लिया था 1, तो यहाँ कितना बचा, अब 4 में से 1 जाएगा, तो ये उधार मांग लेते हैं 1, 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 में से 8 गया, 6, कितना हुआ, 6,93,180, बिल्कुल सही, सबका कॉपी में भी सही, गुड। कुछ और करें, अच्छा लग रहा है।
अब दो संख्याओं को जोड़ा हम लोग ने और हम लोग का आंसर आया है 86,93,201। अब देखो लिखता हूं उसको, कॉपी में लिख लीजिए 86,93,201। ठीक है, ये क्या आया, संख्याओं का योग आया, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ के हमने 86,93,201 पाया। ठीक है, इनमें से एक संख्या हमें दी हुई है, ठीक है, एक संख्या हमें जो दी हुई है वो है 38,46,413। ठीक, मान लो ये दे रखा है, दूसरी संख्या क्या होगी, दोनों को जोड़ के ये है, एक ये है, तो वो कैसे आएगी, दोनों का जोड़ ये है, ठीक है, और अकेले में ये है, तो दूसरी कैसे आएगी, मान लो एक संख्या को हम लोग ए मान लें, दूसरी संख्या को बी मान लें, तो ये क्या है, ए प्लस बी, ठीक है, और ये कोई एक संख्या है ए, तो बी कैसे निकालोगे, जोड़ के कि घटा के, ए को उसमें से हटा दोगे तो बी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, कहाँ घटाएं, यहाँ घटाएं, वहां घटाएं, यहाँ ठीक है, कितना दे रखा है हमें 86, 8 हो गया 6 हो गया 86,00,000। बोलो और यहाँ पे कितना है 38,46,413। आंसर भी निकाल लिया, गुड, बड़ी जल्दी। अब हम लोग इनको क्या करेंगे, घटाएंगे, दो संख्या का योग दिया है और अगर एक संख्या दी हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, तो पहले एक में से तीन को घटा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते ना, एक में से तीन को नहीं घटा सकते ना, पड़ोसी से मांगेंगे, पड़ोसी के पास पहले ही कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो जीरो है, कुछ नहीं है, तो उससे कहा भाई आप दूसरे पड़ोसी से मांग लेते हैं कि तुम बताओ, तो पहले दो वाले ने एक को दिया, ये हो गया 10, ठीक है, फिर इसने इसको दिया, यहां क्या हो गया 9, और चूंकि इसने दो दे दिया था ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, और एक हासिल गया, 11 में से 3 गया, कितना बचा, एट, फिर 9 में से 1 गया 8, अब फिर 1 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक हासिल करेंगे, ठीक है, एक जब हासिल करेंगे तो ये 3 2 बन जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 11, 11 माइनस 4
7. 11 minus 4? 7. Up. 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, 9 में से 1 उधार देंगे, जब उधार देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये 8 हो जाएगा और 1 हमारा 12 में से 6 गया, कितना बचा 6। ठीक है, 12 में से 6 गया हमारा, 6 गया, फिर यहाँ पे 8 बचा था, 8 में से 4 गया, ओ फिर 6 में से 8 जाएगा, 6 में से 8 जाएगा, क्या करेंगे, एक हाथ से लेंगे, उधारी मांगेंगे उससे, ठीक है, तो 8 में से हमारा एक उधार चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे 16, 16 माइनस 8, 8 और 7 में से 3 गया, कितना बचा, ओ 48,46,788, सबका सही है।